तो आज हम प्रेशर सेंसर के विषय में बात करेंगे और ये इसका डायफ्राम रहता है, मैंने निकालते समय तोड़ दिया है तो आप इस पे मत जाइए। इसके अंदर पाइप जो रहती है, इस पे प्रेशर जब बनता है तो इसके बीच में प्रेशर क्रिएट होता है यहाँ पे और इसको दबाता है ऐसे। और इसके अंदर क्या रहता है तो आप देखोगे तो ये स्प्रिंग है जो इसके अंदर रहती है और ये इसके अंदर कॉयल रहेगी। अब कॉयल का कनेक्शन यहाँ पे निकल के बाहर आता है और इसमें पीएफ भी लगा है, आप देख रहे होंगे। तो दो पीएफ से लगा करके बीच में ग्राउंड किया जाता है दोनों कॉयल से होकर के, कॉयल के छेड़ों से। और ये जो रहता है फेराइट की रॉड रहती है और इसके अंदर ये ऐसे प्रेशर पड़ता है तो ऐसे दबता है और इसके दबने से जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, जो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है, तो उस कॉयल में रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। उस कॉयल के रेजिस्टेंस को, यानी वो भी रेजिस्टेंस ही एक तरह से कहेंगे तो अच्छा है, नहीं तो फ्रीक्वेंसी बेस की बात है। तो वो चीज़ यहाँ पे जब भी क्रिएट होता है तो ऐसे आ करके यहाँ पे वोल्टेज बनता है। तो ये जो आईसी है, ये दो दो तरह की, या दोनों आईसी सेम है, एक 4069 और 7480C4। इसके अंदर ऐसा छः आपको सेट मिलेंगे, छः सेट। किसी किसी में ये दो सेट पे मिला करके, दो को मिला करके, यानी जो इनपुट कराएंगे, जैसे इस साइड से इनपुट करा, अगर वोल्टेज बढ़ा देंगे 5 वोल्ट देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं आएगा तो इस समय ये 5 वोल्ट सप्लाई आउट करता रहेगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे आप देखेंगे तो, अगर किसी भी सर्किट की डिज़ाइन को आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कैसे काम कराया गया है। तो यहाँ पे भी वही काम कराया गया है। तो अलग अलग सर्किट थोड़ा सा बदलाव होता है लेकिन रहेगा यही चीज़। तो इसमें ये रहता है कि जैसे जैसे प्रेशर बनता है, ऐसे पानी अभी ड्रम के अंदर जो भरते हैं, तो अलग अलग कंपनी अपना सेटिंग करती है कि हमारा इतने पे एक लेवल लगेगा, इतना भरेगा तो 2 लेवल लगेगा, इतना 3 4, तो वोल्टेज को सेट करती है। तो इसके अंदर 6 सेट रहता है लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 1 सेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं कनेक्शन उसका किया हूँ यहाँ पे, SMD वाली IC है 4069। यहाँ पे निकल गया है, एक मिनट मैं इसको जॉइंट कर लेता हूँ। तो अभी मैंने इस पॉइंट को जॉइंट भी कर दिया इसमें से, और वो पॉइंट मैंने किस जगह पे जॉइंट किया है तो आपको बता देता हूँ। जो ये आउट वाली पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैंने बल्ब लगाया है, इसका मैं डायग्राम लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। और किसी किसी ने आप ट्रांजिस्टर के ज़रिए इसको, यही काम ट्रांजिस्टर के ज़रिए, तो यहाँ पे 2 सेट लगा करके और दोनों के आउट को यहाँ पे लगाया गया है और एक ट्रांजिस्टर लगाया गया है जिसके ज़रिए ये बनेगा। और इसमें से जो आउट होने वाली पिन है ये माइक्रो कंट्रोलर को भेज दिया गया है। सेम कंडीशन इसमें भी है, यहाँ भी उसी को भेज दिया गया है। इस तरफ भी बना सकते हैं वही चीज़, क्योंकि इसके अंदर 6 सेट है। तो यहाँ पे जो सिर्फ 1 सेट का इस्तेमाल किया गया, 5 सेट ऐसे ही खाली है। यहाँ पे 2 सेट मिला करके तो ये 13 बटन की जो आती है, 13 बटन की जो सैमसंग की है उसकी है, ये 13 की आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो मैं ऐसे बना के रखता हूँ खाली टाइम में, इसका मैं डायग्राम पे ही कोशिश करता हूँ कि कैसे काम कराया गया है। तो इसमें ऐसे करके फिर माइक्रो कंट्रोलर को दे दिया गया है। तो अभी चलते हैं, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, इस वाली पिन पे अगर इसमें देखा जाए तो ये आउट है, इसमें 5 वोल्ट जाता रहेगा, लेकिन इस पर जैसे जैसे प्लस की सप्लाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये जो है वोल्टेज कम होते जाएगा। दूसरा चीज़ क्या है कि ऑसिलेटर का भी काम करती है, ये ऑसिलेटर का भी काम करती है। तो यहाँ पे जो कॉयल होती है, प्रेशर सेंसर होता है,
तो इसके अंदर भी वही काम कराया जाता है, ऑसिलेटर का ही काम कराया जाता है। और इसके अंदर आप देखे होंगे तो कुछ में आईसी पहले से ही लगी रहती है, तो इसमें वही आईसी लगी है 4069 ही है। और किसी किसी बोर्ड में तो AIFB वगैरह में और फ्रंट लोड की जितनी बड़ी मशीनें रहती हैं उसमें अंदर पहले से ही लगा दिया जाता है। तो एक पे आपको ग्राउंड आएगा और एक पे प्लस की सप्लाई रहेगी, एक से जो है सिग्नल जो है आउट होता है इसका। तो चलिए इसको दिखाते हैं आपको। तो मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है इसको। अब मैं इस वोल्टेज को धीरे धीरे जो है कम कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये अब इसी वोल्टेज को कंपनी जो है अपने हिसाब से इसको सेट करती है कि हमारे माइक्रो कंट्रोलर को कितने कमांड पे कितना पानी लेना है, कितने देर तक चालू रखना है। यहाँ पे 4069 मैं इस्तेमाल किया हूँ और वैसे ही ये काम करती है। जैसे ये चीज़ जो हाथ से मैं कर रहा हूँ, ये पानी का जब प्रेशर बनेगा तो उस समय ये चीज़ ऐसे काम करती है। तो माइक्रो कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि हमको इनलेट से पानी लेना है कि अभी नहीं लेना है, तो इस कंडीशन में तो लेगा। जैसे जैसे प्लस सप्लाई बढ़ती जाएगी वैसे ही बंद हो जाएगा, फिर मशीन अपने सेकंड मोड में चली जाती है। तो इस तरह से ये काम करता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ये सब बनाने का मकसद मेरा ये है कि ये बार बार आपको समस्या ना हो समझने में। तो